मुखल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। तूने शराब पी है? अरे पी हुई उतार ली। बदतमीज, किन लोगों के साथ वो बैठ रहा है तू? क्या किन लोगों के साथ? दोस्त है वो मेरे। और इसमें बुराई क्या है? पार्टियां करना, घूमना, ये तो सभी लोग करते हैं। और वैसे भी उनके साथ उनके पापा है और मैं यहाँ आपके साथ अकेला रहता हूँ। भगवान जाने क्या किया था उन्होंने और क्या कर रहे हो आप। अपने पापा की तरह ही फौजी बनकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। और इस तरह से विजय ने बुरी संगत का साथ छोड़ कुछ करने की ठानी। वो अपने पिता की तरह ही फौजी बनने के लिए जुट गया पूरी मेहनत से। और कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम भी विजय के पक्ष में ही आया। और माँ एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हाँ बेटा। हेलो। ओके सर। हाँ ओके सर, रिपोर्टिंग सर, मैं अभी निकल रहा हूँ सर। यस सर, जय हिंद सर। बेटा किसका फोन है? माँ वो बॉर्डर पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी कभी निकल। कैसी बातें कर रहा है बेटा? माँ आप तो समझती हो ना। पर बेटा बहू वो तो आज ही इस घर में आई है। माँ आप समझती हो तो वो भी समझ ही जाएगी। पर बेटा माँ प्लीज, माँ अब मुझे जाना चाहिए। बेटा हमारे और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, सिर्फ इसीलिए वो अपने जीवन को वहां दांव पर लगाकर अपने घर परिवार से दूर रात रात भर जगे रहते हैं, तैनात रहते हैं, ताकि हम लोग चैन की नींद सो पाए, हम लोग सुरक्षित रह पाए। वो वहां पर सीमा पर तैनात इसलिए रहते हैं ताकि कोई घुसपैठिए, कोई आतंकवादी वहां से अंदर ना घुस पाए और हमारे देश को बर्बाद ना कर पाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।